तो दोस्तों, आपने खरीदा है एक लेटेस्ट OnePlus TV या फिर आप प्लान कर रहे हैं OnePlus TV खरीदने की, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, इनफैक्ट आपको सारे डिटेल्स बताऊंगा इनके टीवी के तो टॉप फीचर्स, लेकिन कनेक्ट ऐप के सुपर गुड फीचर्स, मतलब टीवी के साथ आपको एक एंड्रॉइड ऐप जो है कनेक्ट ऐप, जिसके थ्रू आप अपने रिमोट को छोड़कर अपने स्मार्टफोन को मैक्सिमम यूज करोगे, क्योंकि उसके थ्रू आप काफी सारे फीचर्स को यूज कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑल द फीचर्स ऑफ द कनेक्ट ऐप ऑन दिस OnePlus TV। OnePlus TV तो आता है काफी सारे फीचर्स के साथ, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ इनके सबसे बेस्ट फीचर के बारे में, और वो है इनका कनेक्ट एप्लीकेशन, जो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर में से। और यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा प्राइमरी फोन जो है OnePlus 7 Pro, और यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपके फोन को एक टीवी रिमोट कंट्रोल बना देगा। चलिए बात करते हैं सारे फीचर्स की वन बाय वन। सबसे पहला फीचर है स्मार्ट वॉल्यूम कंट्रोल। दोस्तों, जब भी आप अपना फेवरेट टीवी शो देख रहे हो तो ये मुझे बहुत ही स्मार्ट फीचर लगा, क्योंकि अगर आपको एक सडनली कॉल आता है तो आप सबसे पहले रिमोट कंट्रोल ढूंढते हो वॉल्यूम कम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर OnePlus TV के अंदर ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कन्फिगर किया हुआ है। जब भी आपको किसी का फ़ोन आता है आपके फ़ोन के ऊपर, और अगर वो फ़ोन आपके टीवी के साथ पेयर्ड है, तो ऑटोमेटिकली आपके टीवी का वॉल्यूम कम हो जाएगा और क्लियरली आप उस फ़ोन कॉल को आंसर कर पाओगे। है ना ये एक स्मार्ट फीचर? वेल, एटलीस्ट आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस फीचर। इसके बाद हम बात करते हैं एक और यूजफुल फीचर की, और वो है टाइप सिंक। वेल दोस्तों, टीवी एंड्रॉयड टीवीज के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइपिंग का, मतलब अगर आपको एक टीवी शो का नाम लिखना है जो काफ़ी लंबा है, तो यहाँ पर आप कनेक्ट ऐप के टाइप सिंक फीचर के थ्रू इसको इनपुट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप सारे टेक्स्ट को बहुत ही ईजिली इनपुट कर सकते हैं अपने टीवी के अंदर। अब चलिए हम बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग फीचर की। दोस्तों, जब भी आप एक टीवी शो देख रहे हो और आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं कि अभी क्या कर रहे हो, देन दिस इज़ अ वेरी स्मार्टर वे टू टेल देम। यहाँ पर आपको कनेक्ट ऐप के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीनशॉट निकालने का, आपको सिर्फ टैप करना है रिमोट बटन के अंदर, और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कैमरा आइकॉन का। जैसे आप इसको दबाएंगे, आपके टीवी के ऊपर जो भी स्क्रीन के ऊपर है वो उसका एक स्क्रीनशॉट निकल जाएगा, और वो आपके फ़ोन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ पर ये सब कुछ एक फैंसी लुकिंग OnePlus TV फ्रेम के अंदर आ जाएगा, मतलब आप अपने दोस्तों को ये भी बता दोगे कि आप अपने OnePlus TV के ऊपर इस वीडियो को या फिर इस मूवी को या फिर इस टीवी सीरीज को देख रहे हो। हालांकि अगर आप टीवी फ्रेम निकालना चाहोगे तो आप उसको निकाल भी सकते हो सेटिंग्स के अंदर से। दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप एक वीडियो देख रहे हो YouTube के ऊपर, आपको याद आता है कि अरे मेरी पिछली सीरीज़ मैंने अभी कंप्लीट नहीं की है Z5 के ऊपर या फिर Amazon Prime के ऊपर, तो आपको फटाफट से इसको स्विच करना है। और यहाँ पर अगर आपके हाथ में आपका फ़ोन है तो इट्स वेरी इजी, यहाँ पर आपको कनेक्ट ऐप के अंदर ऐप स्विचिंग का एक फीचर मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सिर्फ स्वाइप अप करना है और किसी और ऐप के अंदर आप आराम से जा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप ऐप के अंदर तो चले ही गए हो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरली टीवी रिमोट्स की, जहाँ पर आपको ट्रैक पैड्स नहीं मिलते हैं, और क्योंकि OnePlus का रिमोट बहुत ही सिंपल, सटल और ब्यूटीफुल है, तो आप यहाँ पर कनेक्ट ऐप के थ्रू एक एनहेंस्ड ट्रैक पैड का फीचर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ कंटेंट को नहीं, लेकिन आप वीडियोज के अंदर भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने टीवी को तो ऑन करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि क्या आपको देखना चाहिए, या फिर कुछ आप वेट कर रहे हो रिकमेंडेशंस के, और यहाँ पर कनेक्ट ऐप के अंदर जैसे आप ऐप को ओपन करते हो, सामने आपको मिल जाएंगे कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट रिकमेंडेशंस, और यहाँ पर आप सीधा टैप कीजिए और वो कंटेंट आपके टीवी के ऊपर क्लियरली प्ले होना शुरू हो जाएगा। अगेन, दिस इज़ अ वेरी निफ्टी फीचर जो मुझे बहुत पसंद आया। दोस्तों, अगर आपको रिकॉल करना है कि आपने कल परसों कौन सी सीरीज़ के अंदर कौन सा एपिसोड देखा था, कौन सी सीरीज़ देखी थी या फिर कौन सी मूवी देखी थी, तो ये बहुत ही सिंपल है। आप अपने कनेक्ट ऐप के अंदर जाइए, यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर आपको हिस्ट्री का बटन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारे शोज़ की लिस्ट मिल जाएगी। अगेन, ये बहुत ही सिंपल सा फीचर है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल फीचर है।
अब चलिए मैं बात करता हूँ सबसे लास्ट और बहुत ही सिंपल फीचर का जो बहुत ही यूजफुल भी है। हम बात कर रहे हैं मिरर कैश की। अगर आप अपने फ़ोन को कैश करना चाहते हो टीवी के ऊपर, तो कभी कभी आपको सेटिंग्स के अंदर या फिर अबाउट एरिया के अंदर फ़ोन के अंदर ढूंढने पड़ेंगे सारे ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट ऐप के अंदर सीधा आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मिरर कैश का, जिसको एनेबल कीजिए और सीधा आपका फ़ोन क्लियरली कैश हो जाएगा टीवी के ऊपर, और उसके बाद आप जो भी फ़ोन के ऊपर देख रहे हो वो आपको दिख जाएगा टीवी के ऊपर। So, दोस्तों ये थे सारे फीचर्स कनेक्ट ऐप के जो आपको इस टीवी के साथ मिल जाता है अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित, मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।